तो मतलब परमेश्वर जानता है और दया करना जानता है। आज भी अगर आपने ये हैबिट अपने अंदर चेंज की है, अगर आज मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर से कुछ लेकर जाओगे, खाली हाथ नहीं जाओगे, आज मैं कह रहा हूँ उन लोगों के जीवनों में आशीष आएंगे। अपने हाथों को उठाएं और आज बताएं पवित्र आत्मा को कि आज पवित्र आत्मा जी, मैं अपनी जिंदगी में आशीष को पाना चाहता हूँ। अगर आज आप आशीष यहाँ से अब तक नहीं मिली है, मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि आज वो आशीष का दिन है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग हाथ उठाकर आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि इसी समय पवित्र आत्मा इनकी हर एक प्रॉब्लम्स की दीवार, हर एक वो शराब इनके ऊपर से झड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जा, हर एक बीमारी इसी समय इनके ऊपर से झड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनके घर में, परिवार में बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ा अनुग्रह इनके ऊपर उतरने पाए। आज से जिन्होंने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर को और इवनिंग प्रेयर को मजबूत करूंगा, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता मैं भेंट के साथ आऊंगा परमेश्वर, पवित्र आत्मा जैसे तूने कहा निर्गमन की किताब में कि तुम सुबह और भोर के समय एक भेड़ सुबह चढ़ाना, एक भेड़ शाम को चढ़ाना। पवित्र आत्मा जी जिन्होंने अपने मन को पवित्र आत्मा खोल लिया तेरे लिए, प्रार्थना करने का लेवल में पवित्र आत्मा ये बढ़ने पाए, इनकी शांति को शैतान चुराने ना पाए। और पवित्र आत्मा इन्होंने जो फैसला लिया दानियल की तरह, मैं तीन टाइम प्रार्थना करूंगा मेरे पिता परमेश्वर, और अपना प्लेस बताया कि परमेश्वर मैं कहां पर हूं। पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे प्रभु इनके घर पर आशीष रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, जो मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं इनके घर, पवित्र आत्मा जी एक बड़ी ब्लेसिंग खुले आज यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था, बोले आमीन। मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं देख रहा था कोई बहन मुझे बॉम्बे से देख रही है, और इसी समय मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो मुझे मुंबई से देख रहे हैं खासकर, और मैं ऐसे लोगों के नाम देखता हूँ जिनके नाम RSM NPK से है, और आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन आपके लिए महाराष्ट्र वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आपके कोई छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, आज बहुत बड़ा होने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप आमीन बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उन लोगों को आशीष मिल रही है। मैंने देखा अभी इसी समय जिन लोगों ने आज फैसला लिया है पवित्र आत्मा काम करेगा, मैं ऐसे कुछ लोगों को देखता हूँ बॉम्बे के अंदर जिन लोगों के ऐसे कामों में रुकावटें हैं। कोई बहन मुझे देखती है जिसके 4 साल से उसका बेटा कोई काम में कोई आशीष नहीं पा रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका नाम DSANRS है, और इसी समय आपके बेटे भी आशीष पा रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इसी समय कोई मुझे सुमित देख रहा है, और कोई हर प्रकार से कोई ना कोई दीवार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, परमेश्वर आज उस दीवार को हटा रहा है आपके ऊपर से। कोई दीपाली आप बेटा चाहते हैं आपके घर में कोई, या फिर कोई बेटा है वो कोई आशीष चाहता है, लेकिन वो बेटा है कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रही है, परमेश्वर आज से तुझे शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ जोड़े कह रहे कि जोड़ दिए गए, जैसे किसी के शादी हुआ अभी नहीं और उनको महसूस हो रहा है कि शायद मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ आपको अभी 6 महीने या साल हुआ आपकी शादी को, कुछ जोड़े और उनको अभी इसी समय अलग होने का मन कर रहा है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और इसी समय या फिर आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है, आप सोच रहे हैं शायद मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। मैं फिर बता रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं सोचना, कोई ऐसा जादू टोना, कोई ऐसा ख्याल आपके जीवन में आ रहा है तो इसी समय मैं उस शराब को आपके ऊपर से तोड़ देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम, और जादू टोने को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम, और इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम। आमीन। मैं देख रहा हूँ कोई नेपाल से मुझे देख रही है, कोई रेड कलर की चुन्नी उसने डाली है, या कोई रेड कलर का हल्का पिंक कलर का सूट डाला है, कोई मुझे नेपाल से, कोई इंडिया से मुझे देख रहा है, और इसी समय देख रहा हूँ उसके एक साइड में हिस्से में कुछ प्रॉब्लम्स है, और इधर कोई ऐसा लगता है जैसे मुझे कुछ खिला दिया, पिला दिया गया, और कोई जादू टोने की प्रॉब्लम उसको महसूस हो रही है। अभी इसी समय मैं कह रहा हूँ वो ऑयल लो, और इसी समय ऑयल ऐसे पकड़ के अपने हाथ पर लगाकर अपने सिर पर लगाऊँ, और इसी समय परमेश्वर आपको आज़ाद करे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के घर में कोर्ट केस, कोई लड़ाई झगड़ा का केस है, कोई चोरी का केस आपके ऊपर पड़ गया है, या फिर कोई ऐसा कोई चेक क्लियर नहीं हो रहा, और जैसे कोई चेक का केस आपके ऊपर डल गया है और आप बड़ी टेंशन में हो, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को आज़ाद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ आपका नाम GRSPBSK से है, और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इन लोगों को पवित्र आत्मा जी तू आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय ये कोर्ट केस से आज़ाद होने पाए, बाहर आने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम। मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियों में फिर से वो शांति आने पाए, जो शैतान इनकी शांति को भंग कर रहा है इसी समय जाए बाहर यीशु मसीह नासरी का नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन।